हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अवंती फीड्स उच्च गुणवत्ता वाली झींगा फीड किसानों को सर्वोत्तम तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली अग्रणी प्रदाता है और वैश्विक झींगा ग्राहकों के गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है। तो इसका बिजनेस झींगा फीड से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों, इसका मुख्य डाटा पर देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। इसका मार्केट कैप 6022 करोड़ का है। करेंट प्राइस 442 रुपया, 52 वीक का हाई लो 528 रुपया, 321 रुपया। स्टॉक पी 18.6, बुक वैल्यू 154 रुपया, डिविडेंड 1.41%, आरओसी 20.7%, आरओई 13.4%, फेस वैल्यू 1 रुपया। तो ये अपने बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना पर ट्रेड कर रही है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ठीक ठाक लेवल पे है। तो इतना प्राइस कोई ज़्यादा नहीं हुआ चार्ट देखने से। इंटरप्राइजेज वैल्यू 5739 करोड़ का, और इसका वन ईयर का चार्ट देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से ये कुछ ही दिनों में 460 और 70 के लेवल को पार कर जाएगा, लगभग 1 से 2 महीना के अंदर में आइडिया अनुसार। इसमें मेरा आइडिया है और किसी का नहीं, और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से ही इन्वेस्टमेंट करें, मेरा कोई सलाह नहीं इन्वेस्टमेंट का। तो चलते हैं दोस्तों प्रोज और कॉन्स पे। कॉन्स एक है और प्रोज 4 है। तो कॉन्स पे नज़र डालते हैं तो पुअर सेल्स ग्रोथ 8.44% ओवर पास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल का सेल्स ग्रोथ जो है 8.44%। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट अर्निंग ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर द क्वार्टर इंडेड जून 30, 2023, यानी कि जून का जो क्वार्टर समाप्त हुआ है 2023 का, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो इसको अगर अच्छे से देखेंगे वीडियो को पॉज करके तो समझ में आएगा कि इसमें क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि ये भी पढ़ना चाहिए। अगर रिजल्ट को सही से पढ़ने और समझने आ जाए तो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना आसान हो जाता है। और इसको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैं इसको भगा करके दिखा दे रहा हूँ। कंपनी के मुख्य मुख्य आदमी के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। कौन किस पद पे है, इस क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि इस शेयर में आखिरकार
इस रिज़ल्ट के आने पर क्या हो सकता है और ये फ्यूचर के लिए कितना इफेक्टेबल रिज़ल्ट है। ये टोटल 24 पेज का है जो कि अब समाप्त हो चुका है।